घर पे आ गई हूँ मैं और अंशी मम्मी साथ साथ में ही गए थे। और अभी है ना बस वाणिका सो गई है क्योंकि अंशी इसको पहले ही लेकर के आ गई थी और जोड़ों तक जाना इतनी दूर, और इतनी दूर से आकर के थक गई वाणिका, तो यहाँ पे ही सो गई है। पूड़ा खाती हुई गई थी और पूड़ा खाती हुई आके सो गई। एक पूड़ा खा लिया इसने, यानी कि इसका पेट भर गया है, इतना तो पेट होता है छोटे से बच्चे का। तो बस अभी है ना मुझे खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद में कपड़े वपड़े धोने हैं। मम्मी तो वहीं पे रह गई क्योंकि ऐसा काम है, देवताओं का गोबरी भी बहुत अच्छी फेर रखी थी। मैं तो देखकर हैरान सी होगी, मगर कितनी अच्छी गोबरी फेर रखी। तो कपड़े धोते हैं, कपड़े हमारे 2 दिन के इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखिए एक मशीन पूरी की पूरी भर रही है, फिर भी अपना काम छोड़ करके जाना ही पड़ता है क्योंकि आगे हमारे भी यही समय है, हमारे बच्चों की शादी होगी, फिर कोई नहीं आएगा, जैसे जाते हैं ऐसे ही आना होता है सबका। तो देखते हैं क्या टाइम होगा। पिताजी को तो वैसे भूख लग रही होगी, और खाना तैयार करके गई थी मैं, अट्टा उट्टा बना के गई थी, तो 11:30 बज गए हैं और काम बहुत अच्छे तरीके से निमट गया वहाँ पे भी। तो मुझे सब जितनी भी देख रही थी ना, तो ये कह रही थी सब थोड़ी सी पतली हो गई हो, क्या बात है, क्या कर रही है। मैंने कहा कुछ नहीं कर रही, और डाइट वाइट तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, और थोड़ा सा तो खैर फ़र्क मुझे भी लगता है कि हाँ मैं पतली सी हो गई। तो आ करके खाना बनाया, पिताजी ने खाना खा लिया है और मैंने भी खा लिया है, और वाणिका हमारी भूख की सो गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कपड़े डाल दिए और वॉशिंग मशीन लगा दिया। वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कपड़े डाल रखे, और इधर टब में पानी भर लिया निकालने के लिए, निकालती हूँ सूज धोने के लिए। और सबसे पहले तो मैं ये डालूंगी वाणी के कपड़े, वाणी के, कन्नू के, कन्नू के पापा के, और फिर अपने मम्मी के, और सबसे लास्ट में वाणी की पजामियाँ, सारे के सारे अलग अलग कर लूँगी अभी उठा करके। टब भर चुका है, थोड़े से पानी मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं जो मैंने कपड़े डाले थे ना, वे ज़्यादा गंदे नहीं थे। आज मेरी वाणी का बिना दूध पिए ही सो गई, मेरे बिना ही सो गई थक करके। इसने एक कूड़ा खा लिया और अंशी की गोद में सोई है, और अंशी उधर बाल बना रही है अपने, सारे बाल उतर गए, ये तो उतर ही जा, इनका क्या करना, बस फिर भी इनकी गौर कर थोड़ी सी। अभी अभी फोन आया कन्नू के पापा का, बोल रहे हैं कि आज आधार कार्ड बन रहे हैं, तो कन्नू का आधार कार्ड बनवा के ले आओ, तो मुझे जाना पड़ेगा। और भी बोर बाहर गया हुआ है, नहीं तो भी बोर लेकर के चला जाता। ना कितने कपड़े कोट है दुनिया भर के, भगवान एक दिन ना धो अगले दिन तो ढीले लगे कपड़े, बड़ी कपड़े और बर्तन जो कबू आते हो। अरे वही काम बस, अरे धूल, अरे धूल दपाल, इतना दपाल चलो ऊपर से कितना ऊट मिटना, जितने कपड़े दिखेंगे बर्तन दिखेंगे इतना कुछ नहीं दिखेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? लेन। क्या लेन? नजर से घर ले आ जा बाबू। क्या लेन जा रहे हैं बबुआ? सारी जगह झाड़ू पोछा करके गए थे यार, इतना बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल। अभी अभी वाणिका को सुला करके आई हूँ और घर में है ना, है तो हम ही क्या लेटे हैं, वो ये सब वाणिका को बहुत मुश्किल से सुला के आई है बेबी। यार देखो जी कितने दुबले, भगवान या हवा के मैं झाड़ू पोछा करेगा कुछ फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो मिट्टी का घर होता ना, झाड़ू लगाई छुट्टी। 15 दिन में एक बार गोबरी फेर ली वाणिका मेरी, सो गई है मेरी नन्नी सी प्यारी सी गुड़िया, गई है घूम ले। देखिए भाई पहली बार है ना तन्वी हमारे घर में, माटो माटो चल के आई, भूख लग रहा ज्यादा, चलने का बैठ ठंड देती मुझे। अच्छा माटो माटो चलने का, तू चल के दिखा दे वाणी का माटो माटो। ओए होए अरे माटो तुम्हारे नहीं तो ये मां हां मेरी मां बता। ओए होए अपनी माँ, अपनी मम्मी मतलब बड़ी मम्मी, अपनी दादी माँ की अपनी पकड़ के चलेगी। आजा आजा मेरे पास आजा, तो ना 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 तो वाली कह रही कि चलो जल्दी चलो, मैं तो बक्से आगे 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 चलेगा, पीछे पीछे हम चलेंगे सारे के सारे। जी जी तुम बस मुझे रास्ता बता दियो, तुम बस मुझे फॉलो करो ठीक है, और हम चल दिए मेरे फैमिली। जीजी की गोद में जाओगी आप? मेरी गोद में नहीं जाने की बिल्कुल भी। बताओ भाई कैसी आप, क्या पता क्या बात हो गया था जीजी की गोद में। हाँ पैकेट वाला ही है, दूध में कच्चा दूध है ना। हाँ
बानी का ना पहले अपना गुड्डा लेके आई है, इसे यहाँ पास में बैठा लिया और इसे भी खाना खिलाया है ना। अब फिर बानी का खाना खाएगी है बानी का। क्या हुआ? तो खाना जो है लगा दिया, आलू मटर टमाटर की सब्जी है, मट्ठा है, रोटी है। अब खुद भी खा ले, इसने खा लिया बस। ये खत्ता नहीं खत्ता नहीं, बट ऐसे खा लो बस, तुम खा लो, तुम खा लो। इन गरम मन ने खा लिया, इसे तो खिला के मन ने की जबरदस्ती। हां पिटाई पिटाई कर दो, खत्ता नहीं हो इसकी पिटाई करो। क्यों खा रहा? खा मुझको खा, लाड लाड भी करेगी इसका, खिला दे। अरे भाई खा ले, खा लो अपने गुड। दीदी पापा का फोन कोई नहीं ले सकता मेरी मानी का पिटाई होते हुए। थैंक यू मानी का। हां जी दीदी ने फोन ले लिया था है ना। मां को दे दियो चाचा जी। नहीं मां को फोन, मां चल मां को ले, चल मां चला लेगी। मां रात के 9:30 बज गए हैं और इसी के साथ में कर देते अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और अभी मुझे लगानी है मच्छरदानी।